वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस टू। द टॉपिक इज टिलर ऑफ द सॉइल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेंटिंग द टिलर ऑफ द सॉइल। बंगाल स्कूल की यह पेंटिंग है, तो आइए इस वीडियो में इस पेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। नेम इज टिलर ऑफ द सॉइल। आर्टिस्ट इज नंदलाल बोस, रिलेटेड टू बंगाल स्कूल। पीरियड इज 1937 AD। मीडियम इज वाटर कलर टेम्परा। कॉटेजी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो पिक्चर, जो पेंटिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आर्टिस्ट नंदलाल बोस की है, बंगाल स्कूल से रिलेटेड है। लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। दिस इज वन ऑफ द पैनल्स पेंटेड बाय नंदलाल बोस टू डेकोरेट वन ऑफ द सेवरल हट्स इन द पंडाल फॉर द हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो पंडाल बना था, उसके हट्स में से एक हट को डेकोरेट करने के लिए ये पेंटिंग बनाई गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। फॉर थीम्स ही सिलेक्टेड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल ऑफ बंगाल एंड देयर वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और इन थीम्स में कॉमन पीपल की लाइफ को सिलेक्ट किया है पेंटिंग्स के लिए, बंगाल के कॉमन पीपल की लाइफ को, बंगाल के आम लोगों की लाइफ को, और उनकी वर्किंग कंडीशन जो थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसको इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। नंदलाल्स आर्ट वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स बोल्ड लाइन एंड सिंपल कलर वर्क। ईच पैनल हैज अ सिमिलर कंपोजिशनल अरेंजमेंट पेंटेड ऑन लार्ज साइज्ड हैंडमेड पेपर। अ कस्प्ड आर्क मार्क्स द स्पेस फॉर द रूरल एक्टिविटीज। तो नंदलाल बोस की जो आर्ट है वो उसकी बोल्ड लाइन और सिंपल कलर वर्क के लिए फेमस है। हर एक पैनल में सिमिलर कंपोजिशनल अरेंजमेंट मिलता है, जो कि उनमें पेंट किया गया एक हैंडमेड लार्ज साइज्ड पेपर पे। और साथ में जो कस्प्ड आर्क दिखाई दे रही है, जो ऊपर डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, वो वाला डिजाइन रूरल एक्टिविटीज को शो करता है। ऐसे डिजाइंस रूरल एरिया में बने होते थे, आज भी बने होते हैं। पीपल आर शोन बिजी इन देयर डेली चोर्स ऑफ लाइफ, बी इट अ कारपेंटर, अ स्मिथ, रेसलर्स, वॉरियर्स, म्यूजिशियंस और विमेन हस्की। तो इसमें ये सारे कामों से रिलेटेड लोगों को दिखाया गया है पेंटिंग्स में। डेली जो उनके काम होते थे उनको करते हुए दिखाया गया है, किसी कारपेंटर को, स्मिथ को, रेसलर्स को, वॉरियर्स को, इन सभी को पेंटिंग्स में दिखाया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। इन दिस पर्टिकुलर पैनल अ फार्मर इज शोन टिलिंग द लैंड विद अ वुडन प्लाउ ड्राइवन बाय अ पेयर ऑफ वाइट बुलॉक्स। तो यहाँ पे जैसे आप इस पेंटिंग में देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रही है, यहाँ पे एक फार्मर को दिखाया गया है लैंड टिलिंग का काम करते हुए। वो वाइट बुलॉक्स और एक वुडन हल जो होता है उसकी हेल्प से लैंड टिलिंग का काम कर रहा है। और साथ इसमें जो दो बुलॉक यूज कर रहा है वो, द फार्मर इज होल्डिंग अ स्टिक टू ड्राइव द एनिमल्स। और उसके हाथ में एक स्टिक दिखाई हुई है, जैसे कि जो एनिमल्स को, बुलॉक्स को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है। द एंटायर फोर्स ऑफ फार्मर्स एक्शन इज कंसंट्रेटेड ऑन मैनेजिंग हिज प्लाउ। तो उसकी जो एंटायर कंसंट्रेशन है वो उसके हल पे दिखाई गई है। द हम्प्ड बुल्स आर एनर्जेटिक एंड वेल डेकोरेटेड। तो हम्प्ड बुल दिखाए गए हैं इसमें,
पेंटिंग में और पूरे एनर्जेटिक दिखाए गए हैं और साथ में वेल डेकोरेटेड भी, जैसे कि आप यहाँ पे पेंटिंग में देख रहे हो। देर आर टैसल्स अराउंड द नेक एंड अ क्लॉथ विद द बॉर्डर कवर्स देयर बैग्स। टैसल्स हैं जो उनकी नेक्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसे फुमन टाइप उनके नेक में डाले हुए हैं, धागे से बने हुए फुमन टाइप, और साथ में उनके बैग्स को कवर किया हुआ है एक बॉर्डर वाले क्लॉथ से। देयर फ्रंट हूव्स आर रेज्ड टू डिपिक्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, और उनके फ्रंट हूव्स हैं जो वो अपवर्ड दिखाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, टू शो द फॉरवर्ड मूवमेंट, कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, उसी मूवमेंट को शो करने के लिए ये फ्रंट हूव्स रेज्ड फॉर्म में दिखाए गए हैं और ऊपर दिखाए गए हैं थोड़े से। द अपटर्न्ड सॉयल इज इंडिकेटेड बाय कर्विलिनियर लाइंस ऑन द ग्राउंड, और जो अपटर्न्ड सॉयल है जो हल्के द्वारा की जा रही है, वो एक फार्मर जो कर रहा है वो, उसको कर्विलिनियर लाइंस के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो इजीली। कर्विलिनियर लाइंस हैं जो वो अपटर्न्ड सॉयल को शो कर रही हैं। द बॉडी ऑफ द बुल इज हाईलाइटेड विद बोल्ड स्ट्रोक्स ऑफ वाइट, और जो बुल की बॉडी है वो बोल्ड स्ट्रोक्स ऑफ वाइट कलर से दिखाई गई है। द धोती एंड द टर्बन ऑफ द फार्मर आर ऑल्सो वाइट, और जो धोती और टर्बन है फार्मर की वो भी वाइट कलर की शो की गई है यहाँ पे। हिज बेयर टॉर्सो इज मस्कुलर टैंड विद हिज डेली लेबर, और उसको मस्कुलर दिखाया गया है फार्मर को और टैंड कलर में दिखाया गया है, जो कि वो एक डेली लेबर करते करते उसकी बॉडी को टैन कलर में दिखाया गया है। द अर्थी कलर्स यूज्ड आर ब्राउन इंडिगो एंड वाइट अगेंस्ट अ लाइट ऑकर बैकग्राउंड, और जो लाइट ऑकर बैकग्राउंड में जो अर्थी कलर्स हैं वो ब्राउन इंडिगो और वाइट कलर में दिखाए गए हैं। जस्टिफाइंग द सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, जो कि रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी को शो कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। द कर्वी कंटूर्स आर हाईलाइटेड सिंपली विद फ्लैट कलर्स एंड फ्रीली मार्क्ड ब्लैक आउटलाइंस, और जो कर्वी कंटूर्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं फ्लैट कलर से एंड फ्रीली मार्क्ड ब्लैक आउटलाइन से। अ फ्यू मास्टरली ब्रश स्ट्रोक्स एट करेक्ट प्लेसेस हैव सक्सीडेड इन पोर्ट्रेइंग द एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द फार्मर, और जो मास्टरली ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो एनाटॉमिकल डिटेल्स को शो कर रहे हैं एनिमल्स की भी और फार्मर की बॉडी को भी। द इकॉनमी ऑफ लाइन एंड बोल्डनेस ऑफ द स्ट्रोक्स इन दीज पोस्टर्स ऑफ हरिपुरा इज सिमिलर टू द स्टाइल ऑफ पट चित्राज ऑफ कालीकाट, तो जो लाइन्स हैं और लाइन्स की इकॉनमी और बोल्डनेस ऑफ द स्ट्रोक्स, ये हरिपुरा के पोस्टर्स में बिल्कुल सिमिलर आर्ट है, जैसे कि जैसी आर्ट पट चित्राज ऑफ कालीघाट में दिखाई गई है। पट चित्राज ये भी एक टाइप की आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, जो कि क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग्स में की जाती है, और इसमें इंट्रिकेट डिटेल्स, काफ़ी जो फाइन डिटेल्स इसमें शो की जाती हैं पटचित्राज आर्ट में, तो उसी से मेल खाती हुई, उसी की सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म यहाँ पे इस पेंटिंग में यूज़ की गई है। तो ये थी टिलर ऑफ द सॉयल पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को 24/7 AP लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की और लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.